इसीलिए जिस जिसने जाना उन सब ने कहा ये संसार सिर्फ एक सपना है। सपना किसे कहते हैं? सपना वही होता है जिसमें जो भी घटनाएं घटती हैं वो थोड़ी देर को होती हैं और जैसे आँख खुलती है पता चलता है ये सब झूठ था, उसी को सपना कहते हैं। और आपकी जिंदगी क्या है? एकाएक मौत आती है और जो कुछ भी तुम करते रहते हो 70 साल 80 साल 90 साल सब पहुंच देती है। जो अब तक बहुत यथार्थ था वो वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे कि सपना समाप्त हो जाता है। जैसे सपना देखने के बाद जब सपने से जागते हो तो सपने में कुछ बचता नहीं है, लगता है कि सब बेकार था, व्यर्थ का था, झूठा था। तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है तो जो कुछ जीवन में किए रहते हो वो सब तुम्हारे लिए सपना ही सिद्ध हो जाता है। जब तक सपना देखता आदमी सपने को सच्चा मानता है। अगर देखता कि कोई आदमी सपने में छुरा लेकर दौड़ रहा है और उसकी छाती में भोंक देना चाहता है तो भय के मारे पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि सपने को सच्चा मानता है और सारे दुख झेलता है। सपने में भी सारे दुख झेलता है, क्यों? क्योंकि उसको सच्चा मानता है। सभी संबुद्धों ने कहा कि जो जीवन तुम जी रहे हो इस जीवन में भी तुम्हारे सारे दुखों का कारण यही है कि तुम सपने को सच्चा मान रहे हो, सपने को यथार्थ मान रहे हो, सपने को सत्य मान रहे हो। सपना सत्य नहीं है, सपना झूठा है। ये जो आप देख रहे हो इस जीवन में जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो भी सब झूठा है। अगर तुम्हें जीते जी पता चल जाए कि जो जीवन तुम जी रहे हो, जो संघर्ष तुम कर रहे हो, जो लड़ाइयाँ तुम लड़ रहे हो, जो उद्यम तुम कर रहे हो, ये सब सपने का खेल है, तो उसी समय इस जीवन के सारे दुख विसर्जित होने शुरू हो जाएंगे। यानी एक क्षण में ही सारा जीवन दुख विसर्जित हो सकता है। इस जीवन के सारे दुखों का विसर्जन क्षण भर में हो सकता है जब तुम्हारे भीतर ये प्रतीति आ जाए कि ये सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक सपना है। और यह प्रतीति उन सबको हुई जिन्होंने जीवन को, आत्मा को, परम आनंद को जाना, जिन्होंने इस परम आनंद की संपदा पाई, जिन्होंने आत्मा की संपदा पाई, उन सब ने चीख चीख कर तुम्हें बताने की कोशिश की। भगवान कृष्ण कहते हैं सारा जीवन खेल है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस सारा संसार माया और सपना है। ये प्रतीति कैसे हो? आप मानने को नहीं तैयार होते, कितना भी कोई समझाए। इसीलिए तो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, कबीर, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ पूजा करने वाले लोग हैं, ये तुम्हारे लिए सिर्फ पूजा करने योग्य हैं। इनसे और कोई ज़्यादा नाता, कोई रिश्ता आप नहीं जोड़ते हो, क्योंकि जो बात ये कहते हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आती। ये कहते हैं सपना सब संसार, तुम कहते हो कैसे हो जाएगा, तुम मानने को तैयार नहीं हो। वैसे जैसे जब तुम सपना देख रहे होते हो उस समय तुम मानने को तैयार नहीं होते हो कि जो सपने में देख रहे हो वो झूठा है। उस सपने में जो भी घटनाएं होती है, जितनी देर तुम सपना देखते हो उतनी देर तुम्हें यथार्थ लगता है, सच्चा लगता है, और तुम पसीना पसीना हो जाते हो, तनाव में हो जाते हो, पीड़ा से भर जाते हो। राहत तब मिलती है जब सपना टूटता है, तब तुम्हें लगता है ये सब झूठा था। संबुद्ध पुरुष वही हैं जिन्होंने जागकर देखा कि अब तक जो जीवन जिया था उस सपने को सच्चा मानने के कारण ही जीवन नरक का जीवन हो गया था, और अब ये सच्चाई पता चल गई कि ये सपना ही था और पूरा जीवन मनुष्य का सपना ही है। तब जो कुछ उनके जीवन में अब तक हुआ था वो उनके लिए खेल बन गया, और उन्होंने चीख चीख कर यही समझाने की चेष्टा की कि इस जीवन में भी जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है वो सिर्फ सपना है। आखिर एक दिन तो सपना हो ही जाएगा जब तुम्हारे इस जीवन का अंतिम चरण आ जाएगा,
जब तुम डेथ बेड पर होगे, जब तुम मृत्युशैया पर होगे, उस समय जो जीवन अब तक जिया है वो लगेगा ये तो सपना ही था, क्यों संघर्ष करता रहा, क्यों इतने नरक में जीता रहा, ये तो खेल खत्म। और जाने कब ये खेल खत्म हो जाए, समझदार आदमी वही है जो खेल खत्म होने के पहले ही समझ ले कि सिर्फ खेल है, सिर्फ सपना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि सिर्फ सपना है तो जितनी लड़ाइयाँ तुम लड़ रहे हो जीवन में, जितने युद्ध तुम लड़ रहे हो रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक, युद्ध ही है। चाहे दफ्तर जा रहे हो तो वहाँ का युद्ध है, घर में हो तो वहाँ पे युद्ध है, जहाँ हो वहीं युद्ध है, संघर्ष है, लड़ाई है, नरक है। और सब इसीलिए है कि तुम इसको बड़ा सच्चा, बड़ा यथार्थ, बड़ा महत्वपूर्ण मानते हो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जेव, सुख में दुख में हान में लाभ में जय में पराजय में, जो एक जैसा बना रहे। कौन एक जैसा बना रह सकता है? जो समझ लेता है कि संसार सिर्फ सपना है, जीवन सिर्फ खेल है, जीवन सिर्फ नाटक है।